मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 275 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में आपको बता दें 11 और कोरोना मरीजों की जान चली गई। कोरोना से अब तक 270 लोगों की जान मध्य प्रदेश में गई है। और मध्य प्रदेश में अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। 2500 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं और 107 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते अब तक जान जा चुकी है। वहीं अगर राजधानी भोपाल का रुख करें तो वहां भी स्थिति बेहद खराब, 1088 मामले सामने आ चुके हैं। तो इंदौर की बात हो या राजधानी भोपाल की, स्थिति मध्य प्रदेश में खराब ही है। 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मध्य प्रदेश में अब तक मिल चुके हैं। इंदौर में 107 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। वहीं जैसा कि आपको बताया, राजधानी भोपाल में 1088 कोरोना के मामले सामने आए हैं और 40 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। उज्जैन की अगर बात करें तो 481 लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक यहां पर पाए गए हैं और 51 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर जबलपुर की बात करें तो यहां पर 190 मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं और 9 लोगों की इनमें से कोरोना संक्रमण के चलते जान गई है। तो कोई भी इलाका हो, कोई भी जिला हो, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें या खंडवा की, खंडवा में 186 लोग कोरोना से संक्रमित अब तक पाए गए हैं और 11 लोगों की कोरोना संक्रमण से, इस महामारी से जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात करें तो 5700 से ज्यादा कोरोना के मामले यहां पर अब तक सामने आ चुके हैं और हालत जो है बेहद खराब इस राज्य की। लगातार प्रशासन जो है इस तरह की बात कर रहा है कि सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं, आगे भी उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ थम नहीं रहा।